नमस्कार दोस्तों, पर नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत। और आज हमारा सफर होने वाला है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई के लिए, जो कि यहां से बहुत सारी फ्लाइटें चलती है। और आज के इस सफर में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। स्पाइस जेट में हमारा सफर होने वाला है फ्लाइट का, और पूरा जानकारी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका कोड है दोस्तों DEL, जब भी आप सर्च करेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका कोड है DEL, और यहां से अंतर्राष्ट्रीय और जो है इंटरनेशनल लेवल में कहीं भी अगर आपको जाना है तो यहां से हर एक जगह का फ्लाइट आपको मिल जाएगा। चाहे आपको इंडिया जाना हो या इंडिया के बाहर कोई भी एयरपोर्ट में जाना हो, उन सभी जगह के लिए आपको यहां पे मिल जाएगा। तीन टर्मिनल है 1, 2, 3, जिसमें से अलग अलग जो है फ्लाइटें जो है वो उड़ान भरती रहती है। और काफ़ी बड़ा है जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट और सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट में से एक माना गया है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट को, जो कि कुछ दिन पहले अवार्ड भी मिला हुआ था। तो आज के इस सफर में हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ से हम अभी सफर करेंगे स्पाइस जेट में। आपको बता दें कि न्यू दिल्ली से जब भी आप फ्लाइट लेते हैं मुंबई के लिए, तो अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में लेते हैं, सिर्फ इकोनॉमी क्लास में लेते हैं, तो उसका प्राइस पड़ता है 5950 रुपये, जो कि 2 घंटे 10 मिनट में आपको यहां से मुंबई पहुंचा देगी। अगर आप यहां पे प्रीमियम लेते हैं प्रीमियम इकोनॉमी, तो 10191 रुपया पड़ेगा, जो कि सिर्फ विस्तारा चलती है। सबसे पहले इन करने के लिए आप देख सकते हैं ये एंट्री पॉइंट है, जहां से आप इन होंगे। जब भी आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं तो यहां से आपको टिकट दिखाना पड़ेगा और साथ साथ में एक आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको गेट के अंदर भेजा जाएगा। लगेज वगैरह आप साथ में लेके जा सकते हैं, और जो भी आपके साथ आएंगे वो बाहर ही रुक सकते हैं। इसके साथ साथ मेट्रो अटैच है, जब भी आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं तो मेट्रो जो है वो बिल्कुल अटैच है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक क्लास का, जो कि आप टिकट लेते हैं तो 10000 रुपया पड़ता है, एंड अगर आप यहाँ पे दूसरे लेते हैं बिजनेस क्लास में, तो आपको 22000 रुपया पड़ता है, जो कि एयर इंडिया और विस्तारा का आपको सुविधा मिल जाएगा मुंबई के लिए। और अगर आप यहाँ पे लेते हैं और भी ज़्यादा फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास एयर फ्लाइट का, तो भी आपको पड़ जाएगा 43000, जो कि सिर्फ एयर इंडिया ये सर्विस देती है। तो ये तीन टिकट है अलग अलग प्राइस का, लेकिन मेरा जो है इकोनॉमिक क्लास का है, तो जो कि सबसे लोवेस्ट होता है, जिसमें से आपको सीट मिलता है और उसमें आप बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में नज़र आएगा, जहाँ पे चेक इन सबसे पहले आप इन करेंगे, और इन करने के बाद लगेज वगैरह अपना दे दें। अगर आपके पास 7 kg से ऊपर का लगेज है तो आप यहीं पर दे दें जब आप बोर्डिंग पास लेंगे। बोर्डिंग पास के लिए आजकल क्या है कि अभी मशीन भी रख दिया गया है, जो कि मशीन से अपना PNR नंबर डालेंगे टिकट का, और आपको मशीन बोर्डिंग पास मिल जाएगा। जहां पे चूज करने का रहता है, अगर आपको सीट चूज करना है, तो सीट विंडो सीट भी ले सकते हैं एंड अदर भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग काउंटर बनाया गया, अलग अलग काउंटर आपको मिलेगा, जहाँ पे इंडिगो का अलग है, स्पाइस जेट का अलग है, एयर इंडिया का अलग है, तो अलग अलग फ्लाइटें का अलग अलग काउंटर है, जहाँ से आप जो है टिकट अपना करा सकता है। उसके साथ साथ जगह जगह स्क्रीन लगाया गया है, और दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, जो कि हर टर्मिनल में आपको शॉपिंग के लिए सब कुछ मिल जाएगा उपलब्ध, कार वगैरह, गाड़ी वगैरह, वाइन्स वगैरह, जो भी आपको खरीदना हो या फिर कुछ खाने पीने का सामान हो, वो सारी चीज़ें उपलब्ध मिलेगी। साथ साथ में बहुत सारे यहाँ पे चेयर लगाए गए हैं, जो कि सोफा में बैठ के आप वेट कर सकते हैं। जब आप बोर्डिंग पास लेंगे तभी आपको बताया जाएगा कि कौन सी गेट में आपकी फ़्लाइटें आ रही है, और उसके बाद अपना फ्लाइट वहाँ से आप लेके फिर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बड़े लोकेशन में है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, जगह जगह स्क्रीन भी लगाया गया, जिसके सहारे से लोग पहचानते हैं कि कौन सा जो है आप टर्मिनल में आ रहे हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जनरल मिल जाएगा देखने को। तो टर्मिनल 1 है 2 है 3 है, जो कि पहले जो है जब आप डोमेस्टिक के लिए लेते हैं तो टर्मिनल 2 में अधिकतर फ्लाइटें आती हैं, 3 में जो है इंटरनेशनल लेवल की फ़्लाइटें जो हैं वो आती हैं और जाती हैं, और 1 में जो है वो भी आपको डोमेस्टिक मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन है। 16 किलोमीटर यहाँ से रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से, और सिटी जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आपको मेट्रो की सुविधा मिल जाएगा। जस्ट यहाँ से मेट्रो अटैच है, और जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्लाइटें आपको नज़र आएंगे, गो एयर का हो या फिर एयर इंडिया हो या फिर अनेक फ्लाइटें जो हैं वो लगातार लगी हुई रहती है। बस के सहारे आपको, जब फ्लाइट दूर में लगती है तो बस के सहारे आप जा सकते हैं, एंड अगर यहीं पे है तो ये कवर लगा के, जो सामने आपको दिख रहा है, कवर लगा के गेट खोल दिया जाता है, जहां से आप यहां से घुस सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। जो आपकी फ़्लाइट है, देखिए जितना भी फ्लाइट लगी हुई है वो कवर लेके है, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। एयर इंडिया का भी है, तो अलग अलग फ्लाइटें लगातार लगी हुई रहती है। तो
अब हमारी फ्लाइट स्पाइस जेट की लग चुकी है, जो कि यहाँ से अभी मुंबई के लिए खुलेगी। आप देख सकते हैं ये एयर इंडिया का स्पाइस जेट है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। और यहाँ से छोड़ा गया बहुत सारा स्पाइस जेट के यहाँ फ्लाइट होते हैं। इस तरीके से आप जा सकते हैं, अभी हम यहाँ पर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं फ्लाइट के अंदर का नज़ारा, आपको दिखाते हैं साथ साथ में सब कुछ दिखाते हैं। ये देखिए अब रनवे जो है वो खुल चुकी है फ्लाइट, और यहाँ रनवे ये बना हुआ बहुत ही बड़े क्षेत्र में। अब रनवे में यहाँ से वो स्पीड पकड़ेगी और डायरेक्ट उड़ान भरेगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सबसे पहले जब स्टार्ट होता है फ्लाइट, देखिए 2 घंटे 10 मिनट इसमें बिल्कुल लेट नहीं होता, बिल्कुल अब राइट टाइम पर पहुँचेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं रनवे का अद्भुत नज़ारा, देखिए बहुत ही सुंदर लगेगा। ये भी रुकी हुई अब बहुत शॉर्ट स्पीड पकड़ेगी और एकाएक जो है उड़ान भरेगी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हम बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं और बिल्कुल ऊपर से जब आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको बादल बादल ही नज़र आएगा, क्योंकि नीचे जो है कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में मौजूद है, और यहाँ से हमारा पूरा सफ़र होने वाला है, 5,981 रुपये पड़ेगा जो कि आप टिकट करवाते हैं तत्काल में तो फ्लाइट का, एंड अगर आप पहले करवा के रखते तो आपको थोड़ा बहुत कम पड़ेगा। लेकिन ये देखिए ऊपर से बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन दिख रहा है, और मुंबई एयरपोर्ट का हम आपको बता दें कोड जिसका BOM है। और देखिए हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल लैंड हो चुका है हमारा फ्लाइट, और नीचे में आप देख सकते हैं लोकेशन में कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे बरसात हो रही है। लेकिन पूरी तरह का देखें अगर आप चारों तरफ तो आपको बहुत बिल्डिंगे ही नज़र आएगा, क्योंकि ये पूरा जो सिटी में मौजूद है मुंबई का जो एयरपोर्ट है और बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। 14 नंबर में आता है बिगेस्ट एयरपोर्ट की बात करें एशिया में तो ये, और वर्ल्ड में अगर पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो 41वां नंबर में होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट में से माना जाता है मुंबई एयरपोर्ट को। आप देख सकते हैं जब आप लैंड करेंगे तो यहाँ पे एस्केलेटर जगह जगह लगाया गया है, जब आप टर्मिनल की ओर बाहर निकलेंगे आपको बस की ओर छोड़ेगी, जब टर्मिनल जो है वहाँ पर लगती है तो बस की ओर। इधर जो डोमेस्टिक का है और इधर इंटरनेशनल का है अलग अलग गेट बनाया गया, साथ साथ में यहाँ पर अंदर में आपको सारी व्यवस्था मिलेगी, खाने पीने की सुविधा से लेकर सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर जाने के लिए आप देख सकते हैं ये लोकेशन है जहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, और बाहर में हम आपको दिखाते हैं मुंबई एयरपोर्ट में क्या क्या नज़ारा है। तो गेट यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ्लाइटें यहाँ पे आती हैं और यहाँ से भी काफ़ी सारी फ्लाइटें चलती हैं। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकलने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो मुंबई एयरपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें दोस्तों, जिसका ओपन किया गया था 1942 ईस्वी में, जहाँ पे हब जो है एयर इंडिया, विस्तारा, गो फास्ट, अकासा और इंडिगो का यहीं पे है। इसके साथ साथ में एयर इंडिया एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट एविएशन, स्पाइस जेट, जेट एयरलाइंस, एयर एशिया, स्टार एयर, ये बहुत सारी फ्लाइटें जो है यहाँ से चलती हैं। काफ़ी सारे फ्लाइटें आपको यहाँ से अनेक जगह के लिए मिल जाएगा, और ये बाहर का लोकेशन है जब आप जाएंगे तो। देखिए ये मुंबई एयरपोर्ट का जब यहाँ से इन होता है, ये गेट नंबर 2 है, जो कि यहाँ से जब आप इन करेंगे तो देखिए बाहर में आपको यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ा करना पड़ेगा, देन आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई आ रहा बाहर में तो यहीं पर आता है, ये सारे लोग देखिए वेट कर रहे हैं। तो जब हम बाहर आएँ तो इसी रास्ते से आएँ, यहाँ से बाहर आने के बाद फिर आप यहां से कैब वगैरह ले सकते हैं, कैब की सहारा है। साथ साथ में अगर आपको कुछ प्राइवेट करना है तो प्राइवेट भी आप गाड़ी वगैरह करके जा सकते हैं। तो दोनों सुविधा यहां पे, दोनों चीज़ें, टर्मिनल 2 भी है यहां पे, और जिसमें से यहां पार्किंग की व्यवस्था की बात करें तो अभी जो है एयरक्राफ्ट को 108 पार्क कर सकता है। बोर्डिंग ब्रिज की बात करें तो 60 बनाया गया, चेक इन काउंटर की बात करें तो 192 है, और कार पार्किंग की बात करें तो 5,000 कार को पार्क किया जा सकता है। ये फैसिलिटी अभी टर्मिनल 2 में है, जो कि नया टर्मिनल 2 बना है उसमें ये फैसिलिटी है। तो 1B C जो है अलग अलग गेट है जिसमें से आप अलग अलग में निकल सकते हैं, और वो सारे गेटों में अलग अलग डिवाइड करके रखा गया, बहुत ही बड़े क्षेत्र में है अंदर से लेकर बाहर तक। और ये पूरा सफ़र था हमारा स्पाइस जेट का दिल्ली से लेकर मुंबई तक।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, कोई और जानकारी चाहिए वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज में हमारी मुलाकात होगी, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत ही स्वच्छ रखा गया, बहुत ही सुंदर रखा गया एयरपोर्ट को। नेक्स्ट वीडियोज में हम कहीं और ट्रैवल करेंगे, यहाँ से हम गोवा जाने वाले, तो गोवा का ट्रैवल वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं एयरपोर्ट का, और एयरपोर्ट का ऐसे ही फ्लाइट की जानकारी अनेक वीडियो हमारे YouTube चैनल में आप देख सकते हैं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आई बटन दबा के आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लाश जब भी आप सफ़र करते हैं तो कैसे सफ़र करेंगे, क्या की व्यवस्था रहती है। उसके लिए भी एक और वीडियो हमने पार्टिकुलर बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फ्लाइट में वॉशरूम की सुविधा कैसा होता है वो भी हम आपको दिखा देंगे। और सबसे अच्छी बात है फ्लाइट में एक चीज़ कि आपको इसमें कोई लेट नहीं होता, बिल्कुल राइट टाइम पर चलती है और राइट टाइम पर आप पहुँच जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा और बहुत ही सुंदर लगेगा जब आप पहली बार ट्रैवल करेंगे फ्लाइट में। और ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट का बहुत ही नज़ारा बहुत ही खास होता है, रात को भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, दिन में तो लगता ही लगता है, रात को भी आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।